नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल स्काई में आपका स्वागत है। मई जून के मौसम में गर्मी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इस माह में तीखी धूप लोगों के लिए काफी परेशानियों का कारण बनती है। गर्मी में झुलसती और चिलचिलाती धूप की वजह से कई लोग बीमार पड़ने लगते हैं। खास तौर पर इस मौसम में पेट से जुड़ी परेशानियां काफी ज्यादा देखने को मिलती हैं। कोरोना काल में लोग गर्मी के सीजन में भी ठंडी चीजों को खाने से बच रहे हैं और गर्म चीजों का सेवन कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेट से जुड़ी परेशानी होना आम हो चुका है। बढ़ती गर्मी में लोगों को पेट से जुड़ी परेशानी जैसे अपच, गैस, पित्त का बढ़ना, पेट में इन्फेक्शन जैसी समस्याएं आम हो चुकी हैं। पेट से जुड़ी समस्या का कारण बढ़ती गर्मी होती है, इसलिए गर्मी के सीजन में खुद को ठंडा रखना जरूरी हो चुका है। चलिए जानते हैं पेट की गर्मी के कारण, लक्षण और उनसे बचाव के क्या तरीके हैं। पेट की गर्मी के लक्षण: मुंह में खट्टा पानी आना, खट्टी डकारें आना, घबराहट और उल्टी जैसा महसूस होना, गले में जलन, पेट फूलना, सांस लेने में परेशानी, छाती में जलन होना। इन सभी लक्षणों के अलावा सिर में दर्द, पेट में गैस, कब्ज जैसे लक्षण भी दिख सकते हैं। पेट में गर्मी के मुख्य कारण: बहुत अधिक मिर्च मसाला खाना, मांसाहारी भोजन खाना, सिगरेट और शराब का सेवन, दवाइयां काफ़ी ज़्यादा लेना, चाय कॉफ़ी अधिक पीना, गतिहीन जीवन शैली होना, खाने का सही समय निर्धारित ना होना। कैसे करें पेट की गर्मी से बचाव: मसालेदार खाना कम खाएं और सादे खाने पर ध्यान दें। सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पिएं। दोपहर के समय में लस्सी या दही ज़रूर खाएं। सुबह सही समय पर नाश्ता करें, पेट को ज़्यादा समय तक खाली ना रखें। दिन में अधिक से अधिक पानी पिएं। वहीं आप अपने पेट को ठंडा रखने के लिए केले का सेवन करें, पुदीने की पत्तियों का सेवन, सौंफ और ठंडा दूध पिएं। इन सभी चीज़ों के सेवन से आपके पेट में गर्मी नहीं रहेगी और उसको ठंडक मिलेगी।